नमस्कार, स्वागत है आपका भट्टू दर्पण न्यूज में। लॉकडाउन का निरीक्षण करने के लिए डीएसपी सत्येंद्र कुमार ने भट्टू मंडी का दौरा किया। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। भट्टू मंडी में चारों तरफ नाकेबंदी की गई है। सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कोरोना के इस दौर में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने की जरूरत है। सभी लोग मास्क लगा कर रखें व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना वजह घर से बाहर न निकले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत क्षेत्र में बुधवार को 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यह जानकारी देते हुए SMO डॉक्टर सुजाता बंसल ने बताया कि कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार काफी हद तक हो रहा है। लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को पीड़ी मंदोरी में 1, रामसरा में 3, दैयड़ में 1, भट्टू मंडी में 11, भट्टू कला में 6, शेखुपुर में 3, मानावाड़ी में 2, बोडिया खेड़ा में 1, जांडवाड़ा में 5, छुइया में 2, CSC भट्टू कला में 2, हरिपुरा में 1, ढाणी ढाका में 1, मेघवाड़ा में 2, बनावाड़ी में 3, किडाण में 2, ढांड में 1, खावड़ा खुर्द में 4, खावड़ा कला में 6, सूलीखेड़ा में 3 व ढिंगसरा में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योगाचार्य डॉक्टर मदन गोपाल आर्य ने कहा है कि नियमित यज्ञ करके हम अपने जीवन निरोग कर सकते हैं। वर्तमान कोरोना महामारी में यज्ञ अमृत समान है। यज्ञ करने से वातावरण शुद्धि के साथ साथ तन मन भी शुद्ध होता है, जिससे वातावरण में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस नहीं पनप पाते। उन्होंने बताया कि यज्ञ के महत्व पर आज अनेक अनुसंधान हो रहे हैं। देसी गाय के घी, एलोवान, गुगल कपूर, सरसों, बच, हल्दी, देवदारू, तेजपत्ता, लाख, अरंडमूल, राड़, खर्स, जटामासी, नारियल, काला तिल आदि ऐसे द्रव्य हैं जिनसे यदि हम यज्ञ करें तो दमा, नजला व अजर एलर्जी जैसे रोग खत्म हो सकते हैं। वातावरण शुद्ध होने से बहुत सारी बीमारियां नहीं पनप पाती। इन सामग्रियों से यज्ञ करने से वातावरण में जो माइक्रो तत्व उत्पन्न होते हैं और पैदा होते हैं वह समस्त मानवता के लिए हितकारी हैं। गांव ढिंगसरा व किडाण के बीच हतिवाद ब्रांच नहर पर बने पुल की रेलिंग पिछले कई दिनों से टूटी पड़ी है। इन टूटी रेलिंग से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी डर के साथ वाहन गुजारने पड़ रहे हैं, लेकिन अब जल्दी ही लोगों को राहत मिलने वाली है। इन रेलिंग के निर्माण को लेकर सिंचाई विभाग ने टेंडर लगा दिया है और टेंडर कोरोना काल के चलते खुलना बाकी है, जिसके बाद इस पुल की रेलिंग का निर्माण हो जाएगा। गांव ढिंगसरा निवासी मक्खनलाल, बुद्धराम, पवन, राकेश ने बताया कि ढिंगसरा से किडाण रोड पर बने फतेवाद ब्रांच नहर के पुल की रेलिंग टूटे होने से यहां हादसे का डर बना हुआ है। यहां पहले भी 2 बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय कनिष्ठ अभियंता सुभाष ने बताया कि इस रेलिंग के निर्माण को लेकर करीब 90,000 का एस्टिमेट बनाया गया है और अब इसका टेंडर भी लग चुका है, लेकिन कोरोना काल के चलते खुलना बाकी है। टेंडर खुलने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।